उन सबके पास जो ASIs हैं, एडिशनल सब इंस्पेक्टर ऑफ एडिशनल सब इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। उनको उसके लिए बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उनके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ASI या उसके ऊपर के लेवल के जो लोग, जिनको डेजिग्नेट किया हुआ है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो एक्सक्लूसिव भी डील करते हैं बच्चों के साथ, वो और दो सोशल मेंबर। अब वो दो सोशल मेंबर में से एक वुमन होना जरूरी। तो ये हमारा हुआ स्पेशल जुबेनाइल पुलिस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑल चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ ऑल द थानास एंड टू सोशल वर्कर। या तो इनको रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, इनकी डिटेल्स कहाँ हैं? इनकी डिटेल्स ऑनलाइन भी हैं, हमारे गवर्नमेंट की साइट पे भी है, स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे भी होगा, और लोकल पुलिस में भी इनके नंबर नोटिफाइड होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, या फिर सिंपली लोकल पुलिस को फोन करें, SDPU या लोकल पुलिस या हेल्पलाइन। हेल्पलाइन भी एंड में जाके पुलिस को ही अप्रोच करते हैं। इनको जैसे ही अप्रोच किया, इन्होंने FIR रजिस्टर करी, इंफॉर्मेशन मिली है जो है, तो वो FIR रजिस्टर करेंगे। अगर अब्यूज नहीं हुआ है और एप्रीहेंशन है, तो DT एंटर कराएंगे। अगर वो बच्चा खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बच्चे को पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। बकायदा एक कॉपी दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को भी, बच्चे को। अगर बच्चे के पेरेंट्स साथ में हैं, तो उन्हें बताया जाएगा आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है, आपके लिए यहाँ पे काउंसलर्स की सुविधा है। अगर बच्चा किसी बाहर स्टेट का है, सपोज कर ले जैसे चाइल्ड झारखंड का है, या फिर कहीं बाहर का, उसको यहाँ पर ट्रैफिक करा दिया था, अगर वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो उसके लिए ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर भी होते हैं। बच्चा डेफ एंड डम है तो स्पेशल एजुकेटर। अब इन सबकी लिस्ट कहाँ है? इन सबकी लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या है? ये भी एक यूनिट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी बना रखी है, और उनकी ड्यूटी है एक ऐसी लिस्ट मेंटेन करना और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के साथ शेयर करना। लीगल एड सेल्स के पास भी होती है, तो यहाँ से हमें इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स मिल सकते हैं। अब बच्चा आया पुलिस से कॉन्टैक्ट में, सबसे पहले तो उसका मेडिकल कराना जरूरी है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल असॉल्ट है, तो अगर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट है तो मेडिकल कराना जरूरी है। मेडिकल जो होगा वो उसके पेरेंट्स के सामने होगा। अगर वो पेरेंट्स के सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो किसी और पर्सन के साथ अगर वो कंफर्टेबल है, मेडिकल है, या फिर अगर वो भी नहीं है, तो कोई भी वुमेन डॉक्टर जिसके साथ वो कंफर्टेबल बच्चा फील कर रहा है, उनके सामने। अच्छा, अगर बच्चा जो है उसे खुद के पेरेंट्स ने उसे अब्यूज किया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बच्चे को हम शेल्टर भी प्रोवाइड करा सकते। बच्चा जब पुलिस के पास आया, 24 घंटे के अंदर बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना जरूरी। बाल कल्याण समिति बच्चे से बात करेगी, देखेगी बच्चे को किस तरह का अब्यूज हुआ है, उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, उसे मेडिकल एड चाहिए, उसे काउंसलिंग चाहिए, उसको घर चाहिए रहने के लिए, और उसके हिसाब से हमें ऑर्डर पास करेंगे। और जो चाइल्ड कमेटी है, एक पर्सन प्रोवाइड करा सकती है बच्चों, सपोर्ट पर्सन लीगल एड सेंटर भी प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट पर्सन NGO से हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, शेल्टर होम या फिर शेल्टर होम का ऑफिशियल हो सकता है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का DCPO का एम्प्लॉय हो सकता है। इसका सपोर्ट पर्सन का क्या रोल है? ये बच्चे के साथ शुरू से लेकर अंत तक साथ में रहेगा। आप बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ उसके केस में क्या आगे बढ़ रहा है, उसका 164 का बयान होना है, उसको एक्यूज आ गया है, पकड़ा गया है, बेल हुई है, प्रोसीडिंग कैसे होगी, एविडेंस कैसे होगा, कनेक्शन हुई है या एक्विटल हुआ है, कॉन्फर्मेशन मिला है नहीं मिला है, ये सब कुछ बताना एक सपोर्ट पर्सन का काम है। अगर बच्चा ना चाहे, तो सपोर्ट पर्सन को डिस्चार्ज भी करा सकता है। कह सकता है मुझे जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता है या मेरे अच्छे प्राइवेट काउंसलर है, तो मुझे जरूरत नहीं है। अब किसी भी, यहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग का क्लॉज होता है, किसी को भी इत्तला मिली है कि ऐसा, या फिर इंफॉर्मेशन उसको नॉलेज नहीं है कि कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या फिर कोई मीडिया हाउस है, कोई रेस्टोरेंट है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे ना लॉजेस में जो रेप पार्टीज होती है, वहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटीरियल बहुत ज्यादा मिस यूज होता है, एंड इट इज अवेलेबल फॉर एज लो एज 500 रुपीज फॉर 1 GB ऑफ
वन ऑफ और भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मटीरियल किसी रेस्टोरेंट के सामने नॉलेज में आता है या फिर किसी क्लब में है या फिर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जैसे माइनर्स आए हैं, प्रेगनेंट है माइनर और हॉस्पिटल को पता चला है, तो मैंडेटरी ड्यूटी है उनकी कि वो इस मैटर को रिपोर्ट करें। और अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे FIR रजिस्टर करनी है। अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे और पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही FIR, तो दोनों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर किसी ने झूठे इंफॉर्मेशन दिए किसी और को थ्रेट करने के लिए कि झूठा फंसाऊंगा, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। पर अगर ये झूठी इंफॉर्मेशन कोई बच्चा दे रहा है तो कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, इस झूठी इंफॉर्मेशन में अगर कोई बच्चा विक्टिमाइज हुआ है अननेसेसरी, उसको झूठ बोलना पड़ा है किसी के भी कहने पे, तो भी वो आदमी को सजा होगी आदमी औरत को। बच्चे की आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो सकती, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे मिसिंग बच्चा है तो स्पेशल जो हमारे सेशन कोर्ट है पॉक्सो कोर्ट है, उनकी परमिशन से हम उनकी परमिशन से आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, अदरवाइज बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं। अब कई बार क्या देखा गया है, बच्चे का नाम नहीं होगा, बच्चे का फोटोग्राफ नहीं दिखाएंगे, ब्लर होगी, पर फला फला बच्चा 4 साल का इस स्कूल का कक्षा का छात्र है और इस गली से जा रहा था। अब जब जैसे ही हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दी तो कोई भी लोकेलिटी का आदमी पता कर सकता है कि हाँ इतनी उम्र का कौन सा बच्चा है जो स्कूल में और इस गली से जा रहा था, जब ये वाक्य हुआ। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे बच्चे की आइडेंटिटी थोड़ी भी डिस्क्लोज होती है, वो कोई भी नहीं बता सकता, डाइवल्स नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को विक्टिमाइजेशन से बचाना है। एक तो सेक्सुअल असॉल्ट से वैसे विक्टिमाइज हुआ, दूसरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से फर्दर विक्टिमाइजेशन, तो उसे बचाने के लिए उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो। अब बच्चे के जब बयान हो रहे हैं तो बयान जो है जैसे पुलिस के सामने है, तो या तो उसके घर पे होंगे या फिर अगर घर पे नहीं तो कोई भी जगह जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल है, से वो अपने स्कूल में ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर अपने अपने कहीं और रिलेटिव के घर में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वहाँ पे। अच्छा, कोई वुमेन सब इंस्पेक्टर ही रिकॉर्ड करेगी, उसके लोअर लेवल पे नहीं रिकॉर्ड हो सकता। पुलिस ऑफिसर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर होगा, बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा कुछ भी बोलने, जो बच्चा फ्रीली बोल रहा है तो ठीक है, अगर लग रहा है बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो पहले उसको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। बच्चे को कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे एक्यूज की, और किसी भी हालत में रात में बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा कि अभी आपके बयान में तोड़ फोड़ मैं थोड़ा बात करवा। जब बच्चा कोर्ट में आया, 164 के बयान हुए, तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी प्रोसीडिंग्स की, और अगर एडवोकेट कहता है कि मुझे भी यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, तो वो ज़रूरी नहीं है, हम एडवोकेट को मना कर सकते हैं कि बच्चे की स्टेटमेंट है आप यहाँ पे नहीं होंगे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। देन मेडिकल एग्जामिनेशन हम देख ही चुके हैं, पॉक्सो कोर्ट है हमारी, स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर होता है, बच्चे को कभी भी एक्यूज कॉन्टैक्ट में नहीं लाया जाता, इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, बच्चे के लिए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर सारे मुहैया कराया जा सकता है। अगर बच्चा कोर्ट आने की क्षमता नहीं है, वो नहीं आना चाहता, तो कमीशन भेज के भी बच्चे का एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। और फाइनली इसमें कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है, कॉम्पनसेशन लीगल एड सेल्फ ही देता है, नहीं तो जो स्पेशल कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट से हमारी सेशन कोर्ट है, अलग सेशन को, वो अपने आप या अगर उनके पास एप्लीकेशन लगाई गई है तो इंटरिम या फाइनल कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। और ये कॉम्पनसेशन देते वक्त जिस तरह का एब्यूज हुआ है, ग्रेविटी क्या रही है, सिवियरिटी कितना हार्म हुआ है, बच्चे को मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना देना पड़ा, अगर बच्चे को जगह ही छोड़ के जाने पड़ी तो रिलोकेशन की जो कॉस्ट है, बच्चे को अगर स्कूल दूसरा चेंज करना पड़ा तो जो मिड टर्म एडमिशन होता है उसकी जो एक्स्ट्रा फीस है, ये सब उसमें कंसिडर किया जाएगा, उसके बेसिस पे कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा। तो ये तो सब हमारा डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड एब्यूज के बारे में लगा रेलेवेंट सर शेयर किया। थैंक यू सर, ओवर टू यू विनोद जी। थैंक यू वेरी मच मैम। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन कुछ थे जिनके चैट के थ्रू आए हुए हैं, मैं उनको रीट्रीट कर देता हूँ अगर उन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल सके। मैम, पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। दिस वन इज
My question to ma'am is how the pandemic is affecting the number of cases in domestic violence and what is the legislature doing for the protection of such victims? It is just a practical. The question is subjective and आप प्लीज NCW की रिपोर्ट्स पढ़ें और अभी बहुत सारे नेट पे आर्टिकल्स हैं उसमें आप पढ़ें आपको लाइव केसेस मिलेंगे किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हो रहा है. वुमेन है घर पे रह रही है ठीक है उसको पैसे चाहिए अब वो लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते तो हस्बैंड ने मना कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा मेरे पास नहीं है मेरी मैं आपको नहीं दूंगा पैसे तो क्या करेगी वो जो कि उसे कोर्ट से सहायता मिल रही थी अब उसे पता ही नहीं होता वो कैसे जाएगी तो इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं. लेजिस्लेचर हमारे पास है और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक लिंक है जो कि उस महिला को कोर्ट तक लाने के लिए और उसकी हेल्प कराने में कारगर साबित है. एक क्वेश्चन है जितेंद्र जी का व्हाट कैन डू अर्लियर मैटर इन विच ओनली DIR कॉल्ड बट नाउ द डेट एक्सटेंडेड ड्यू टू COVID-19. DIR मंगाई गई थी हमारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब अगर आपको पता हो रोज हमारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब बैठ रहे हैं अगर कोई अर्जेंट रिलीफ है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं. फ्रॉम शिखा शाह हेलो मैम माय क्वेश्चन इज इन DVI कस्टडी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड अकॉर्डिंग टू माइनर ज्यूरिडिक्शन चाइल्ड ज्यूरिडिक्शन वुड बी कंसीडर्ड इफ चाइल्ड इज इन कस्टडी ऑफ हर इन-लॉज हु इज लिविंग आउट ऑफ वेदर. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इस एक्ट में पढ़ोगे जहाँ पे ज्यूरिडिक्शन का सवाल आता है ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड्स टू द होम ऑफ कंट्री. तो जहाँ पे अगर मदर रह रही है वहाँ पे आप केस फाइल करोगे इवन इफ अगर बच्चा बाहर है सपोज करो UP में है मदर दिल्ली में है तो वो दिल्ली में एप्लीकेशन लगा सकती है और जो यहाँ के ऑर्डर्स हैं वो इन्फोर्सेबल है UP में. आप अगर सेक्शन 27 पढ़ेंगे सेक्शन 27 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सब सेक्शन 2 एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया तो आप वो कर सकते. मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है शाहीन हुसैन. मैम ये जो आपने जितना भी बताया है ये ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सेम ही रहेगा? हाँ 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 क्योंकि हमारी एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया है और उनको सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे जो एक सिटीजन को मिलते हैं. तो क्योंकि ये एक्ट हमारा आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 में है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है तो ट्रांसजेंडर भी इसमें कवर है. थैंक यू सो मच मैम. So, with this we can conclude and actually Niti Suri Mishra ma'am is having a flow chart also. So, all questions will be answered. This has been specifically prepared by the DSLSM. So, with this, first of all, मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा both the learned and district session judges को कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें guide and motivate किया. मैं अपने रिसोर्स पर्सन एवं वक्ता स्वाति कटियार मैम को अभी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल कीमती समय निकाला बल्कि हमें इस सेंसिटिव टॉपिक पे इतने सरल ढंग से समझाया है. मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं चाहे वो NGO मेंबर्स हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं या कम्युनिटी PLVs हैं उनके सभी सवालों का आंसर मिल गया हो. मैं इस प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए अपार इंडिया फाउंडेशन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिना डिस्टरबेंस के बिना इंटरप्शन के ये प्रोग्राम स्मूथली हैंडल हो गया. थैंक यू उपहार जी. अब मैं सेक्रेटरी DLSA सेंट्रल नीति सूरी मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वो एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो भी इश्यूज हैं जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं कम्युनिटी में फील्ड में उनको वो समझाने का की कृपा करें. ओवर टू यू मैम. थैंक यू वेरी मच विनोद सर. आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे एक फ्लो चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर है. ये फ्लो चार्ट हम सभी समझ रहे हैं कि इस टाइम की सिचुएशन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जैसी नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स होते हैं या चाइल्ड अब्यूज के कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं तो जो विक्टिम है वो इंस्टेंटली पुलिस के पास जाता है अगर और उसके साथ साथ वो कोर्ट में भी अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के उनके पास ये एक तरीके से रिजॉर्ट रहता है. मगर ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट्स क्लोज्ड हैं. मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि कोर्ट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं